ओए, तुम फिर आ गए? कोई काम धंधा नहीं है जब देखो मेरे चैनल पे आ जाते हो? चलो भाई, गए हो तो तुम्हें आगे की कहानी भी सुना देता हूँ। वापस तो आ गया हूँ कराची, बट आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल है। मुझे हर कोई यही बता रहा है कि इट्स गोना बी इम्पॉसिबल फॉर मी टू गो टू द नॉर्दर्न पाकिस्तान, लेकिन जैसा कि मैं अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से वादा कर चुका हूँ, जाना तो पड़ेगा यार। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होने की वजह से अपनी ट्रांसपोर्ट तो नहीं ले सकते, सो इट्स बेटर इफ़ यू टेक अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ट्रेन्स बहुत बुरी चल रही हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग्स बट मे बी इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग। बहुत ज़्यादा देर लग रही है कराची से इस्लामाबाद पहुँचने के लिए। और नॉर्दर्न एरियाज़ में कहीं पर भी जाना हो, तमाम पाकिस्तानियों को तो पता ही होगा कि आपको नॉर्दर्न एरियाज़ जाने के लिए इस्लामाबाद से होते हुए ही जाना है। तो फाइनली प्लान तो सिर्फ इतना है कि हमें इस्लामाबाद जाना है, और कैसे जाना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। कम ऑन गर्ल्स, वेक अप। वालों तो उठने की करो। बस मैं उठा हूँ अब। एक टाइम पे तीन बंदे नहीं जा सकते। क्यों, क्या है जाने को? जाओ उधर आओ। हाँ, वालों पुलिस में तो चले आते हैं एक वक्त पे। तीन बंदे पुलिस तुम लोग जाते होगे? जा रहे हैं यार, फ्रेश हो जाए। छोड़ दिए काम वालों? इस्लामाबाद एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होने की वजह से वी डिसाइडेड नॉट टू स्टे इन इस्लामाबाद। हमने कश्मीर जाने का फैसला किया। कश्मीर के रास्ते के बारे में हमें पहले कुछ भी नहीं आइडिया था। हम तो आराम से उठे, शॉपिंग की, नाश्ता किया और फिर एक टूर गाइड को हायर किया, और उस टूर गाइड ने ही हमें हमारे आगे की जर्नी का प्लान करके बताया, और वो जर्नी ये है। मुजफ्फराबाद कैपिटल, पीर चनासी, मरी, दरह नीलम, कश्मीर अबशार, पत्रियाटा, वापस इस्लामाबाद। वापस इस्लामाबाद 5 दिन में। और यहाँ से हमारे पाकिस्तान टूर की 5 दिन की जर्नी का आगाज हुआ। इस्लामाबाद से 2 घंटा दूर आने के बाद ही हमें वो नज़ारे देखने को मिल रहे थे जो हम देखने आए थे, लेकिन
आज़ाद कश्मीर के कैपिटल मुजफ्फराबाद पहुंचने में अभी भी 2 घंटे का वक्त बाकी था। वी डिसाइडेड टू स्टॉप एंड हैव सम हॉट टी एंड देन वी कंटिन्यूड आवर जर्नी अगेन। हमें नहीं पता था कि आज़ाद कश्मीर की कैपिटल मुजफ्फराबाद में पहुंचने से पहले ही एक और एडवेंचर हमारा इंतज़ार कर रहा है। ऑल राइट, सो काफ़ी रात हो चुकी है और हम मुजफ्फराबाद पहुंचने वाले हैं। रास्ते में एक वाटरफॉल नज़र आया है। अब रात है, ये बहुत प्यारा व्यू है सामने, अगर आप देखें ये पूरी एक लेक जा रही है जो पहाड़ों से पानी आ रहा है और उसके ऑपोजिट साइड पे जो है वो आपका वाटरफॉल है। और ये गाड़ी हमें ये लेने आई है एक चीज़, डोली। शिट, आशिर वालो, आर वी सिटिंग इन दिस? ओह माय गॉड, इसमें क्या एक एक बंदा जाएगा एक बारी में? हम तीनों जाएंगे एक साथ, चारों। चार बंदे जाएंगे? चार बंदों की सिटिंग है। इजी बॉय। वालो ये इज इट सेफ? यस ब्रो। ब्रो कोई तो वजन का चक्कर नहीं होता? नहीं नहीं सही, बस अल्लाह मालिक है। तारे हमारे लिए तो लगाई हैं घूमने के लिए। बैठ जाओ, सही गीला है। ओ नहीं गीला है, कुछ नहीं। हाँ भाई, मैं डर गया था। मुझे तो ऊंचाई से डर लगता है, ऊपर ठंडे पानी से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। But luckily I'm still alive. Across the water आए हैं। This fucking cold. भाई क्या हाल है, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। तो ये हम आए हैं कश्मीर आबशार पे। ये जगह इस वक्त बंद हो चुकी है, इट्स नोन एज कश्मीर वाटरफॉल। ये 6 बजे के करीब बंद हो जाती है, बट आवर टूर गाइड हैड सम कॉन्टैक्ट्स एंड उसने हमारे लिए ये जगह खुलवाई एंड कम एंड आई विल शो यू दिस ब्यूटीफुल वाटरफॉल इन द मिडल ऑफ माउंटेन्स। कश्मीर वाटरफॉल, दिस इज कश्मीर। काफ़ी रात हो चुकी थी और हम अपना पूरा दिन ट्रैवलिंग में गुजार चुके थे, तो हमने अगला दिन तो वेस्ट करना नहीं था। जल्दी गेस्ट हाउस पहुंचे, खाना खाया, आराम किया और सो गए। जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी तो
तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आई जाएगा, आई जाएगा। बोला मारा ये मारा शी बराबर पीछे नहीं हो भाई।